युवा सिंधी महिला संगठन का द्वितीय वार्षिक उत्सव चल रहा है। इसी के चलते शनिवार की देर शाम स्थानीय होटल में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी ने मास्क आदि लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। गीता नाथानी अध्यक्ष युवा संधि महिला संगठन द्वारा, अनीता चावला एडवोकेट कोषा अध्यक्ष द्वारा सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल एवं स्वामी लीला शाह की तस्वीर पर महिला संगठन की सचिव तनुजा मनसुखानी एवं वरिष्ठ सदस्य इंदिरा गंगवानी द्वारा माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में गीता नाथानी द्वारा सभी पदाधिकारियों को उनके द्वारा किए गए कार्य एवं सहयोग के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। शक्ति के ऊपर कुछ नाटक प्रस्तुत किए गए। महिला संगठन द्वारा कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम नारी है, बेहद खूबसूरत ग्रुप प्रस्तुति की गई। अनीता चावला एडवोकेट ने कहा कि किसी भी महिला संगठन को एक धागे में पिरोकर चलना हर किसी के बस का नहीं है, लेकिन हमारी महिला अध्यक्ष में वो विशेषता है कि वो सबको साथ लेकर चलती है और ऐसी अध्यक्षता के साथ हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। किसी भी संगठन के लिए ऐसी अध्यक्षता पाना हर सदस्य के लिए बड़े गर्व की बात है। वैसे तो ये हमारा अपना ही परिवार है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के रूप में मैं सर्वप्रथम आपको यह बताना चाहूंगी कि हमारा युवा महिला मंडल की स्थापना 18 सितंबर 2018 जनरल पंचायत सिंधी जनरल पंचायत के थ्रू गोवर्धन में हुआ था, जो कि 18 सितंबर 2020 में हमने अपने 2 साल कंप्लीट किए हैं। 2 साल कंप्लीट करने का मतलब है कि हमारा ये बहुत बड़ा संघर्ष रहा है और सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि हम सब यहाँ आज क्यों एकत्रित हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बताइए आज हम सब लोग क्यों एकत्रित हुए हैं। हम अपने आज 2 साल का वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर उन हस्तियों को एक बार अपने तरफ से नमन और सम्मान जरूर दें जिन्होंने इस युवा महिला मंडल को बनाने में, निर्माण में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जो अपनी सेवाएं दी हैं, जो का योगदान दिया है, शायद वो हमारे बस की भी नहीं थी। जो चीजें सामने दिखती हैं उसको लाने के लिए जो मेहनतें होती है ना, वो किसी को नहीं पता चलती। तो एक बार मैं आप सभी से कहूंगी कि आप अपनी जगह पे खड़े होकर उन्हें जरूर सम्मान प्रदान करें। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी हमारी अध्यक्षा, एक बार जोरदार करता था, एक इतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि हमें यहाँ पे सभी को मौजूद पता चल जाए कि हमारी प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती गीता नाथानी ने ये एक बगीचा बनाया था। एक बगीचे के मालिक को देखकर पता चलता है, जो फूल लगे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी सुगंध खुशबू से देखकर पता चलता है कि हमारा मालिक कितना समझदार है। आज सबके चेहरे देखिए।